पाकिस्तानी कोई बुलाए ना बुलाए पहुंच जाती। पाकिस्तानी कम्युनिटी की मारूफ सामाजिक कारकुन, मैं गूगल मतलब पे कैमरे का मैं चेयरपर्सन हूँ यार, मतलब मैं मतलब क्या इजी ले लिया यार तुमने मुझे। आप जाने और आपके वो नाजरीन जाने जो मुझे नहीं जानते। बदनाम ना होंगे तो क्या नाम ना होगा। लड़ाइयाँ तो तब होती थी जब मैं पंजाब में रहती थी, मेरी वजह से लड़के बहुत लड़ते थे मेरे मोहल्ले के। अब मैंने एक वायरलेस माइक भी ले लिया है, जो साउंड सिस्टम होते हैं ना, मैं अब उनके साथ उनकी पिन निकाल के अपनी पिन लगा दिया करूंगी। लोगों का ये कहना है कि आप बहुत बदतमीज हैं, बहुत झगड़ालू हैं। अच्छा मैं आपसे ना कोई मैनर्स की क्लास लेने नहीं आई, प्रोग्राम के बाद मुझे चश्मा दीजिएगा, मैं इससे तस्वीरें बनवाऊंगी। मेरी सिस्टर ने मुझे लंदन से भेजा। एंड आई लव ब्लैक एंड आई वांट टू वेयर ब्लैक एंड आई लव टू टॉक अबाउट ब्लैक एंड ब्लैक 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 आई लव ब्लैक। बैक बाइटिंग इज क्राइम इन माय आईज। क्यों कर रही हैं आप बैक बाइटिंग, यही तो मेरा सवाल है। मैं पाकिस्तानी कम्युनिटी की नंबरदार नहीं हूँ। प्रोग्राम पंजाब टू न्यूयॉर्क के साथ मैं हूँ सहर मुगल। नाजरीन उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खैरियत होंगे। नाजरीन आज का हमारा प्रोग्राम जो है बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि आज हमने बुलाया है पाकिस्तानी कम्युनिटी की एक ऐसी खातून को जो शोहरत हासिल करना चाहती हैं, फेम हासिल करना चाहती हैं, और जहाँ भी जाती हैं जिस इवेंट में भी जाती हैं कैमरा मैन और कैमरे पर फोकस रखती हैं। जी हाँ, हमारे साथ मौजूद हैं कंवल बाजी। बुरा तो नहीं लगा आपको मैंने बाजी का? नहीं आप मुझे बाजी क्यों बुला रही हैं? सॉरी आंटी, प्लीज डोंट, नहीं आंटी भी नहीं। आप ही वैसे मुझसे तो काफी बड़ी हैं। मैं अगर थोड़ा हिसाब किताब कर लूँ ना तो तुमसे भी छोटी लगूंगी। नाज़रीन आप लोग को तो पता है मैं हर प्रोग्राम में बताने की कोशिश करती हूँ मैं 20 इयर्स ओल्ड हूँ। आपको तो पता ही होगा। खैर आज मैं बहुत खुश हूँ, आप देखें चार चार कैमरे आपने लगाए हुए हैं इधर मेरे आस पास। हमने बिल्कुल आपको अपने प्रोग्राम में इसलिए ही मधु किया है कि आपको जो शौक है ना, जो आपको शोहरत हासिल करनी है, जो आपको कैमरे का क्रेज है, सोशल मीडिया का क्रेज है। लेकिन मुझे ना नारे मारने के लिए माइक चाहिए होता है, सो यू आपने मुझे एक अजीब से एक माइक लगा दिया। माइक मैंने लगाया ना, इतने छोटे से माइक में मेरी आवाज पता नहीं जा भी रही है कि नहीं। नहीं आपकी आवाज बिल्कुल जा रही है। आप मुझे बताएं आपकी तबीयत सही है, ठीक है? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक, स्वीट बिल्कुल ठीक। अच्छा अच्छा, वैसे आपकी उम्र क्या है? मेरा मैं मोबाइल पे चेक कर लूं आपके जो व्हाट्सएप के मैसेज। एक्चुअली नोटिफिकेशन पता है, आपके व्हाट्सएप के मैसेजेस लगातार आते रहते हैं, ग्रुप बने हुए हैं उसमें, नोटिफिकेशन सब पता है, नोटिफिकेशन आते रहते हैं। आप बहुत मशहूर शख्सियत है और बहुत बिजी खातून, बहुत बिजी। पाकिस्तानी कम्युनिटी जहाँ जो इवेंट होता है वहाँ ये पहुँच जाती है। पाकिस्तानी कम्युनिटी बुलाए ना बुलाए पहुंच जाती। पाकिस्तानी कम्युनिटी की मारूफ सामाजिक कारकुन, सोशल वर्कर हैं आप? सोशल वर्कर। एंड पाकिस्तानी कम्युनिटी की हर दिल अजीज खातून बाजी, ठीक है? नहीं मतलब ये बड़े ऑकवर्ड ओल्ड स्कूल वर्ड्स हैं ना। अच्छा, बाजी, जले, जले। आपा, आहिड। अच्छा आपको पसंद है ये वर्ड? चले मैं आपको कंवल। यस यस यू कैन कॉल मी कंवल। यस मैडम कंवल। हाँ खुश है? मिस तो खैर ना कहें, बार मिसेस कहूँ। हाँ अच्छा, हाँ आपको तो शादी भी हुई है, कितना टाइम हो गया शादी को आपकी? बस ये सारी बातें मतलब जरूरी है कि मैं अपने सारी बातें मतलब अपने शादीशुदा तो आप है ना, मैरिड है ना? मतलब क्यों बार बार इस चीज को डिस्क्लोज कर रही है? तो जब आप मैरिड है तो जब कम्युनिटी को पता है एक चीज का तो क्यों बार बार बताना चाह रही हो? जब पता है तो मुझे पता है, कम्युनिटी को पता है, लेकिन अभी हमारे कुछ नाजरीन आपको नहीं जानते, वो हमारे प्रोग्राम के तवस्सु से आपको जाने। तो आपके नाजरीन गूगल कर ले, मतलब मैं कोई आम शख्सियत गूगल में भी है आप? यस मैं गूगल मतलब पे कैमरे का आपको मैं चेयरपर्सन हूँ यार, मतलब मैं मतलब क्या इजी ले लिया यार तुमने मुझे। मुझे पता है कि आप हमारे कम्युनिटी की शख्सियत हैं। कम्युनिटी देखें, कम्युनिटी में जहाँ भी इलेक्शन कैंपेन का कोई हो, कोई एहतजाज कराना हो, कोई ऐसा प्रोटेस्ट कराना हो कि जिसमें आपको रेटिंग चाहिए हो, तो उसमें मतलब लोग मुझे मधु करते हैं कि आपने जरूर आना है। वैसे मेरी इतलात के मुताबिक जो मुझे पता चला है कि आपका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो सही नहीं है, मतलब कुछ ऊपर नीचे 19-20 करती हैं। मैं लंगड़ी होकर चलती हूँ? नहीं 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 नहीं, आप जो है ना 19-20 करती है, मतलब आप कुछ मेरी आंखें यूं हो जाती है, मतलब क्या है कुछ कामों में सोशल वर्क जो करती हैं आप, जो सोशल वर्कर बनी हुई है सो कॉल्ड। मैं सोशल वर्कर हूँ हाँ ठीक है, लेकिन मैं भीख नहीं मांगती। ओके
सोशल वर्कर हैं लेकिन भीख नहीं मांगती। हाँ। तो अपनी जेब से आप खर्चा करती हैं, जो भी आप लोगों की मदद करती हैं। नहीं, वो तो खैर मैं इधर उधर से अरेंज कर लेती हूँ। वैसे आप इतना क्यों, आपको क्रेज है कि आप इतना मशहूर होना क्यों चाहती हैं? मुझे बहुत क्रेज है, मतलब मेरा दिल चाहता है कि बस मैं किसी तरह से मशहूर बन जाऊँ, मैं किसी तरह से जेनेट जैक्सन बन जाऊँ, मैं किसी तरह से मतलब मैं बस कोई हद ही ना हो मेरे, मतलब मैं इतनी मशहूर होना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हर वक्त मेरे हर कोई आपको जाने, हर कोई पहचाने, आपको बुलाए। हाँ, मैं चाहती हूँ कि हर वक्त ना कैमरे मेरे फेस पे लगे रहे। अच्छा, आप ये हजारों इलेक्ट्रॉन्स जो लाइटें हैं ये मेरे फेस पे पड़ती रहे ताकि मैं खूबसूरत भी नजर आऊं और मैं चल भी आपको वैसे खूबसूरत नजर आने के लिए ये कैमरा मेकअप ये वो जरूरत नहीं है, आप ऑलरेडी थी माशाल्लाह। नहीं, मैं खैर क्रीमें वगैरह भी लगाती हूं, मेकअप भी करती हूं। ये मेकअप मैंने खुद किया, देखा, स्किन टाइटनिंग, स्किन एजिंग क्रीम, हाँ जी सब लगाती हूँ। मैंने टीके भी लगवाए हैं यहाँ पे ना, वो लगवाते हैं। नहीं, यहाँ मेरे प्रोग्राम में आप वाइटनिंग जो ये होते हैं इंजेक्शन, इसको प्रमोट करने की कोई जरूरत नहीं। मैं सख्त खिलाफ हूँ इस चीज़। देखे ना, अब उम्र ज्यादा हो जाए बंदा तो फिर बंदा कम उम्र वाला लगे ना, इसलिए फिर इंजेक्शन। अच्छा, बात को नाज़रीन इन्होंने किस तरह से घुमाया, मैंने इनको बोला कि आपका ट्रैक रिकॉर्ड जो है ना 19-20 है, तो इन्होंने बोला मैं काढ़ी तो नहीं हूँ, अंधी तो नहीं हूँ, मेरी आंखें लोली लगनी तो नहीं हूँ। बातों को इस तरह लेके जा रही है, मैं बात क्या पूछ रही हूँ आप भी समझ रहे होंगे, ये खुद भी समझ रही है पर ये बताना नहीं चाह रही है। सही कह रही, पता नहीं, आप जाने और आपके वो नाज़रीन जाने जो मुझे नहीं जानते। अच्छा, आप, मैंने सुना है कि आप इसीलिए जाती हैं सारे इवेंट्स में, प्रोग्राम्स में इसलिए जाती हैं कि अच्छा, आपको माइक पे बोलने का मौका मिले। ये जो वर्ड है ना, ये इवेंट्स होते हैं, ये इवेंट्स नहीं होता, प्लीज। आप इवेंट्स में जाती हैं ना, अपनी जो अंग्रेजी है ना वो थोड़ी इंग्लिश को जरा बेहतर करें। आप मुझे बताइए, पता नहीं किसने आपको डिग्री दे दी है, यहाँ पे आप आ गई हैं टीवी पे बैठ के एंकर, पता नहीं किसने आपको एंकर बना दिया। हाँ, तो एक रुपया नहीं लिया नाज़रीन मैंने। देखिए, मैं एक फेमस पर्सनालिटी हूँ, आपके मेरी वजह से आपके प्रोग्राम हिट होगा, तो आपको मुझे पैसे देने चाहिए। मैं आपको जो है पैसे दूँ, मैं यस बिकॉज़ मैं एक तो मैंने नाज़रीन को बुलाया, ठीक है, मतलब इनको बुलाया इनको, और ये मुझसे बोली मैं इनको पैसे दूँ। आपको भूल नहीं, जब आप अक्सर जो इवेंट्स में जाती हैं रही और आपको मौका नहीं मिला माइक पे बोलने का, किस तरह की आपकी बेइज्जती हुई? हाँ, तो कोई बात नहीं है ना, मतलब बदनाम ना होंगे तो क्या नाम ना होगा। मतलब नाज़रीन को बुलाया गया वहाँ पर एज अ चीफ गेस्ट। हाँ, एज अ चीफ, वो भी इन्होंने किसी से बोला कि मुझे चीफ गेस्ट वहाँ पर आप बुलाएं इवेंट के अंदर। देखिए, कम से कम रुके भी बात तुम, वहाँ पर इनका बड़ा मुश्किल से ये वहाँ पर पहुंची इवेंट में एज अ चीफ गेस्ट, ठीक है। मिस कवल यहाँ जो है हमारे पास इवेंट में आई हुई, ये इंतजार में थी, ये मौके में की तलाश में थी कि कब इनको बुलाया जाएगा। देखे, मैं बहुत अफसोस की बात है, अभी आपने मुझे बोला कि मेरी अंग्रेजी सही नहीं है और आपको तो लोग बुला के बेइज्जत करते हैं। देखे, मैं इन चीजों का ना बिल्कुल भी असर नहीं लेती, काफी सारे लोग हैं जो मुझसे बहुत ज्यादा जलते हैं, मतलब जेलस से फील करते हैं। क्या जेलस से फील करेंगे आपसे, मुझे समझ नहीं आ रहा। दे आर लूजर्स। अच्छा, यस। अच्छा, वो जलते हैं, मतलब मैं जब तरक्की करती हूँ, जब मैं आगे बढ़ती हूँ तो वो लोग जलते हैं। जब आप फंड्स लेती हैं लोगों से इमदाद की, उससे कि मैं इमदाद करूंगी, लोगों की मदद करूंगी, कोरोना वायरस में भी आपने घर घर आपने बोला कि मैं राशन पहुंचाऊंगी जो बेरोजगार है उनको, मैं जो है राशन दूंगी और पैसे दूंगी, और आपने फंड्स उठाए, आधे से ज्यादा फंड आपकी जेब में गए। देखिए, मेरी बात सुने, ये सारा जो पेंडेमिक का टोटल जो आया ना, ठीक है, तो इसमें जो US गवर्नमेंट है उसने बहुत ज़्यादा साथ दिया लोगों का, तो लोगों को ज़रूरत नहीं रही कमल के उनकी कोई इमदाद करे। सही, तो आपने वो पैसा मुझे दे दिया, तो मेरा हुआ ना। सही। सेकंडली ये कि फूड पेंट्रीज एंड ग्रॉसरी रमज़ान शरीफ में ये इफ्तारियाँ और ये सारी चीज़ें और काफ़ी सारी NGOs कर रही हैं, तो वैसे तो मतलब मैं क्यों खाम खाम में अपना पैसा ज़ाया करूँ, जो मेरे पास आ रहा है तो जो आया वो इन्होंने नाज़रीन रख लिया, कोई इसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो आपके वैसे ज़िंदगी का असल मकसद क्या है, आपके जो कुछ मकसद है हयात होगा ना कि आपने ये करना है, आपने अब ये करना है, मतलब आपने सिर्फ यही करना है कि लोगों के पैसे वहाँ से उठाए यहाँ जेब में डाले और तू कौन मैं कौन। देखिए, मेरी ज़िंदगी का जो सबसे पहला मकसद है वो ये है कि मैं हर वक्त कैमरे के सामने रहूँ, ठीक है, कैमरामैन और कैमरे के सामने। हाँ जी, नहीं कैमरामैन को, कैमरामैन नाज़रीन ये वाला मैं आपको बताती चलूँ कि कम्युनिटी के जितने भी इवेंट्स होते हैं जहाँ वहाँ पर जितने भी कैमरामैन आते हैं अक्सर ऐसा होता है कि सेम ही आते हैं वहाँ पर, तो ये इन्होंने उनसे कॉन्टेक्ट में सबके इन्होंने नंबर लिए,
सबसे ये व्हाट्सएप पे रابطے में। हाँ तो मैं उनको पैसे देती हूँ ना कि मेरी तस्वीरें अलग बनाया करो और बस मुझे मैं नाज़रीन ये बताना चाह रही थी, उन्होंने अपने मुंह से बता दिया तो मेरा काम हो गया। ये को बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ थी ना नाज़रीन, मैंने आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ बता दी है। नाज़रीन मैं सिर्फ आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे कम्युनिटी में, हमारी सोसाइटी में सोशल वर्कर के नाम पे ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो पैसा गरीबों को में देने के बजाय, जरूरतमंद को देने के बजाय कैमरामैन को दे रहे होते हैं कि वो इन पे फोकस रखे, इनको कैप्चर करे और सिर्फ इन्हीं को दिखाए, राइट। नाजरीन इन जैसे जो नॉन टेक्निकल पीपल जब मीडिया में आ जाते हैं तो मीडिया की साख खराब होती है। सो दैट्स व्हाई आई रिक्वेस्ट टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस चैनल कि आपको किसी तरह से ना बस ब्लॉक कर दें, जिस तरह से मैं फेसबुक से लोगों को ब्लॉक करती हूं। क्या चाह रही है ये प्रोग्राम, मैं नहीं चलाऊंगा आपको, ये चाह रही है आपको, मतलब मैं क्या बोलूं, मतलब आपको 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 पता ही नहीं कि प्रोग्राम करते कैसे हैं। मुझे नहीं पता, मैं 4 साल से प्रोग्राम कर रही हूँ, आप मुझे बोल रही हैं ऐसे, आप मुझसे लड़ाई झगड़ा करने आई हैं, नहीं ना। चार, मैं होस्ट आप गेस्ट, वैसे आप मतलब आप 16 साल की थी जब पहली मरतबा ऑन एयर गई थी जी, आपको कैसे पता, अपनी शक्ल देखें ठीक है, उसके बाद जी बिल्कुल। और नाजरीन रोजाना मेरी शक्ल देखते हैं, मैं हर सड़क पर मिलती हूँ प्रोटेस्ट में। अच्छा 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 अच्छा, yes, हर सड़क पे नाज़रीन नहीं बनती, मैं आपको भीख मांगने का काम नहीं करती। सही, हाँ, एक फंड लेना भी एक तरह से भीख है अगर आप उस फंड को सही जगह पर ना पहुंचाएं। देखिए मैं जब ये भीख में आ जाएगा अगर आपने फंड लिया और आपने उस जरूरत मेरे पास, सुने कैमरामैन को पैसे देने पड़ते हैं, क्लोजअप शॉट के अलग पैसे देने पड़ते हैं, प्रोफाइल शॉट के अलग पैसे देने पड़ते हैं, सोलो के अलग पैसे देने पड़ते हैं और ग्रुप फोटोज हो जाए तो उनके अलग पैसे। मैं समझ रही हूँ, मैं मुझे ये सब पता है, मुझे ऑलरेडी पता है। फुटेज व्हाट्सएप पे मिलते हैं उसके अलग पैसे देने पड़ते हैं। मैं समझ रही हूं। अच्छा और उसके बाद तो ये सारे पैसे, अच्छा फिर मैं जब नारे लगाऊं या मतलब मेरी भी तो कोई मजदूरी है ना, मतलब मैं भी तो वो तूतसिया इस्तेमाल कर करके नारे लगाती हूँ ना। समझ रही हूँ, अच्छा ये आपके नारों की वजह से और आपकी जो आप ये शौक है ना आपका ये सोशल वर्किंग करने का, ये इसकी वजह से कम्युनिटी में कितनी लड़ाइयाँ होती हैं, कितने फसाद होते हैं, सिर्फ आप वजह है इस चीज़ की। लड़ाइयाँ तो तब होती थी जब मैं पंजाब में रहती थी, मेरी वजह से लड़के बहुत लड़ते थे मेरे मोहल्ले के। क्या दिन याद दिला दिया। आपका ताल्लुक पंजाब से, पाकिस्तान जी, जी, पाकिस्तान पंजाब वहाँ से हैं आप? नहीं नहीं, हाँ हाँ। आपको ये भी याद नहीं कि आप कौन से पंजाब से हैं? नहीं नहीं, मैं हूँ तो पाकिस्तान से, लेकिन बस अब छोड़े ना, क्या ज़रूरत है कि मैं आपको बताऊँ कि मैं पंजाब से हूँ या सिंध से हूँ या बलूचिस्तान से हूँ। अच्छा तो आप पाकिस्तान से, पाकिस्तानी हैं आप? जी तो पाकिस्तान से, देखिए वेरी नाइस। अच्छा बस सही, ठीक है, नहीं आप लड़ना शुरू कर देती हैं, आप लड़ती हैं ना, बलोची है, पंजाबी है, कुछ भी नहीं है, वी आर ऑल पाकिस्तानी। मैं समझ रही हूँ, हाँ जी मैं समझ रही हूँ, जो आप तकरीर करके आती है ना इवेंट्स में वो आप यहाँ शुरू करने वाली नहीं। मैं आपसे शॉर्ट फॉर्म में पूछ रही हूँ, आप मुझे अल्फाज, अल्फाज का ज़खीरा मेरे पास बहुत ज्यादा है। उफ, आपके अल्फाजों का ज़खीरे का टेस्ट हम बाद में लेंगे। और आपका जो अंदाज़े तखातुब है ना वो बिल्कुल ही बकवास है। जब मैं यहाँ बैठ कर अपने गेस्ट को सच्चाई उसके मुंह पे मारती हूँ ना, फिर आगे से फिर मुझे ऐसे अल्फाज सुनने को मिलते हैं। आपके प्रोग्राम में आके ना मैं खस्तगी महसूस कर रही हूँ, खस्तगी। मुझे भी आपको देखे कोई शाइस्तगी महसूस नहीं हुई, साफ सी ये बहुत बड़ी बड़ी बात है, आपको समझ नहीं आएगी, आप अभी बहुत छोटी है। मुझे पता है खस्तगी शाइस्तगी बहुत और अपोजिट, मुझे सब पता है, मैंने भी जो हूँ ना इन अल्फाजों से जो है ना अच्छे से मेरा भी ताल्लुक रहा है, मेरे को वापस शगुफ्तगी ताबिंदगी शर्मिंदगी जो आपको होती है। शर्मिंदगी नाजरीन को जब हुई थी, मैं आपको याद दिला दूँ, वही लास्ट वाला इवेंट जब आपको तकरीर करने का मौका नहीं मिला था, आप जो है पूरे वक्त देखती रही स्टेज की तरफ इंच करके कि आपको बुलाएंगे, माइक देंगे, तकरीर करने का मौका मिलेगा। अब तो मैंने सारा मसला ही ख़त्म कर दिया, अब तो मैंने एक ब्लूटूथ वाला माइक ले लिया है, उसको मैं अपने मोबाइल के साथ कनेक्ट करती हूँ और मैं अपनी वीडियोज़ बनाती हूँ, और उसके बाद अब मैंने एक वायरलेस माइक भी ले लिया है, जो साउंड सिस्टम्स होते हैं ना मैं अब उनके साथ उनकी पिन निकाल के अपनी पिन लगा दिया करूंगी, तो मैं नारे मारूंगी तो लोग मतलब को सुनेंगे। yes. अच्छा वैसे मतलब मैं ये मसला ही खत्म करना चाहती हूँ कि मैं किसी से माइक लूं। आप क्यों इतना खिलाफ हैं लोगों का माइक खराब कर दूंगी, अपना माइक इन कर दूं, क्यों खिलाफ है इतना लोगों की, क्यों आप इतना बुरा बोलते हैं? देखें जो लोग मेरे खिलाफ है मैं उनके खिलाफ हूँ, सिंपल। लोगों का ये कहना है नाज़रीन कि लोग भाड़ में जाएं, लोगों का जो भी कहना हो, मुझे लोगों से क्या लेना है।
मैं यही बताना चाह रही थी। आप क्यों खाम खाम इस तरह की बातें बढ़ा रही है? मतलब नहीं, मतलब मेरे लोगों का ये कहना है कि आप बहुत बदतमीज हैं, बहुत झगड़ालू हैं, ओवर हो जाती हैं आप, लड़ना शुरू कर देती हैं, छोटी सी बात का बतंगड़ बना देती हैं। अच्छा तो, मैं आपसे ना कोई मैनर्स की क्लास लेने नहीं आई, ठीक है? आप मेरे लिए ना ज्यादा खाला बनने की कोशिश नहीं करें। मैं आपकी कोई खाला नहीं बन रही, मैं आप सवाल कर रही हूँ कि आप इतनी मतलब झगड़ालू क्यों हैं? झगड़ा वहीं से स्टार्ट होता है नाज़रीन, जब ये छोटी सी बात को दिल पे ले जाती है। पसंद खातून हूँ, ठीक है, उसूल मेरे लिए बहुत मानी रखता है, मैं अपने बच्चों को भी उस पर अमल दरामद कराती हूँ, और मेरे शौहर है वो भी इस पर अमल दरामद करते हैं, मैं उसूलों से पीछे नहीं हट सकती। आपने अपने शौहर को भी नहीं, वो सेट करके रखा हुआ, मैंने रखना पड़ता है, आपको पता है अमेरिका में अपने शौहरों को जरा सेट करके रखना पड़ता है। सोशल मीडिया का भी ना हाथ से निकल जाते हैं। सोशल मीडिया का भी आपको बहुत शौक है? जी, सोशल मीडिया का बहुत शौक है, मैंने अपने चैनल बनाया हुआ है, मैं वहाँ पे भी करती हूँ, और मतलब आपने देखा होगा डिफरेंट जगहों पे। वैसे आप बड़े रंगीन मिजाज भी हैं, रंग बिरंगे। अच्छा, आपने कोई अच्छा सा मतलब सवाल करे ना, मेरी पर्सनालिटी, कोई आपका कोई मेरी पर्सनालिटी को देख के कोई सवाल करे। हाँ, मतलब मैं यही बोल रही हूँ कि बहुत रंगीन है ये चश्मा, बहुत अच्छा लग रहा है वैसे। आप दे दिए ना, प्रोग्राम के बाद मुझे चश्मा दीजिएगा, मैं इससे तस्वीरें बनवाऊंगी। ये मेरी सिस्टर ने मुझे लंदन से भेजा है। ओके ओके, वैसे आपका फेवरेट कलर क्या है? ये तस्वीर, ये ना मैं तस्वीरें अभी बनवाऊंगी ना, सेल्फीज, तो मैं आपको दे दूं। हाँ, चश्मा थोड़ी देर के लिए दे दीजिएगा मुझे। अभी दे देना मुझे ये चश्मा, अभी मैं जरा कर लूं प्रोग्राम फिर देती हूं। ओके, ब्रेक में देती हूं, पिक्चर लेनी है आपको देती हूं। अच्छा, फेवरेट कलर क्या है ये बताएं। मेरा जो फेवरेट कलर है वो है ब्लैक, एंड आई लव ब्लैक, एंड आई वांट टू वेयर ब्लैक, एंड आई लव टू टॉक अबाउट ब्लैक, एंड ब्लैक ब्लैक ब्लैक, आई लव ब्लैक। जो भी आज आप कुछ ब्लैक इन, यस ब्लैक, ब्लैक और रेड, ऑरेंज, पर्पल, व्हाइट, पिंक, यस, कुछ कलर रह गए थे जिंदगी में जो आपने शर्ट पे पहनना रह गए थे? बेसिकली ये मेरी एक फ्रेंड ने गिफ्ट किया था, तो आप उस फ्रेंड से पूछें जाके, ये मैं तो कुछ नहीं बता सकती। देखिए, ये फ्रेंड मुझसे कितनी मोहब्बत करती है, मेरी कि आपको गिफ्ट दे रही है। हाँ, रंगीन रंगीन इन कलर्स से नुमाया हो रहा है, जितने शार्प कलर्स होंगे उतनी ज्यादा मोहब्बत होती है। जी बिल्कुल। नाज़रीन लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और चलिए वापस आते हैं, हमारे साथ मौजूद है कवल आंटी। त्यौहार अपना हो तो लिबास भी अपना ही होना चाहिए। शहसूरी पेश करता है अमरीका में दीदा से मशरकी मलबूसात की मुकम्मल वैरायटी, वो भी मुनासिब और कम कीमत पर। शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के अलावा कौमी और मजहबी त्यौहार की मुनासबत से आला मयार और मुनफरिद डिजाइन के तैयार मलबूसात आपसे सिर्फ एक कॉल की दूरी पर। अपना ऑर्डर बुक करवाने के लिए आज ही राब्ता कीजिए 9085108148, 732-236-3788। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है कवल, क्योंकि इन्होंने मुझे डांटा है ब्रेक में। आपकी फेवरेट, हाँ तो ठीक है ना, मतलब क्यों आप सही, मैं बोलना शुरू कर दूंगी, बस चुप कर दो। ओके, मुझे बताएं आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी है? मेरी फेवरेट फिल्म है सही सही बता दूं? बताएं। वैसे मैं बता नहीं सकती हूं, ऑन एयर छोड़ें, बस बताएं। मैं इंग्लिश फिल्में ज्यादा भी देखती हूं। अच्छा, और कैसे गाने सुनना पसंद करती हैं? और मुझे गाने पंजाबी, पश्तो और उर्दू गाने बहुत पसंद है। कोई पश्तो गाना सुने? मैं पश्तो गाना भी सुनाने के लिए तो याद नहीं है मुझे। कोई गाना सुना चाहिए? बस वो एक ही है बड़ा मशहूर सा, वो कौन सा? लार शपी खावर तकमिस्तो और माला रोड़ा, ताज़ा ताज़ा गुलूना दे सलो और माला रोड़ा, बस ये मैंने नहीं सुना। आपने सुर और ताल भी नहीं डाला इसमें, मज़ा नहीं आया। तो जरूरी नहीं है ना, मतलब मैंने आपको तहतुर लफ्ज में सुनाया ना, मतलब जरूरी थोड़ी है कि मैं आपको
तरन्नुम में सुनाओ। आपको पता है कि तहतुल लफ्ज और तरन्नुम में क्या फर्क होता है? नहीं, मुझे तरन्नुम नहीं। अगर आप मैट्रिक कर लेती ना तो आपको पता होता। आगे चलो। नाजरीन, ये मुझे कब से पता नहीं क्या क्या बोले जा रही हैं, और ये कम्युनिटी वालों ने जो फैलाया हुआ है इनके बारे में, सॉरी फैलाया, सच फैलाया हुआ है कि इनके बारे में ये झगड़ालू और बदतमीज खातून है, ये आज इस प्रोग्राम में जो है ना साबित हो गया। आज के बाद जो मैं फैलाऊंगी ना आपके खिलाफ कम्युनिटी में, आप वो देखिएगा। आपको ना आपको अपनी उम्र का लिहाज करना चाहिए। मतलब मैंने नाजरीन को अपने प्रोग्राम में बुलाया, एक तो फ्री में बुलाया नाजरीन, फ्री में उम्र का क्या मतलब, और ये जो है ना इस तरह से मुझे बोले जा रही है। उम्र का क्या मतलब? उम्र का लिहाज इसलिए, मतलब मैं आप मेरे से बड़ी इसलिए मैं आपकी इज्जत कर रही हूँ। मतलब इतना खर्चा करती हूँ इसलिए कि मैं लड़कियों से दो एक साल बड़ी लगूं, बस। आप अपनी उम्र देखें, अपनी हरकतें देखें, खर्चा करती हूँ और बातें देखें आप अपनी। तो कोई बात नहीं है ना, मतलब हर इंसान को खूबसूरती हर इंसान की हक है। और आप तो एक बहुत बड़ी चुगलखोर भी है। चुगलखोरी करती है। हाँ, चुगलखोर भी है। चुगलखोर है नाज़रीन ये। मतलब क्यों बार बार मुझे टीज कर रही है? कोई मुझसे ये पूछे कि मैं किन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही हूँ, मुझसे ये पूछे कि मैं आजकल काम कौन सा कर रही हूँ, मुझसे आप ये पूछे कि मैं कम्युनिटी की खिदमत कैसे कर रही हूँ। बैग बैग बाइटिंग करना कितनी बुरी बात है नाज़रीन। और ये आंटी, ये खातून कवल आंटी, आंटी बैग बाइटिंग इज क्राइम इन माय आईज, यू नो। आईज में क्या क्राइम यार? एक तो मतलब लोग पढ़े लिखे नहीं होते ना, मतलब बैग बाइटिंग इज क्राइम इन माय तो आईज। क्यों कर रही हैं आप बैग बाइटिंग? यही तो मेरा सवाल है। तुम्हें जवाब दे रही हूँ ना, प्लीज मेरा जवाब तो सुन लेना। मतलब बैग बाइटिंग इज क्राइम इन माय आईज का मतलब ये है कि बैग बाइटिंग जो है, जो चुगलखोरी है, वो मेरी नजर में क्राइम है। वो सबकी नजर में क्राइम ही है, तो आप नहीं किया करें ना, आप लोगों की चुगलखोरी नहीं किया करें। ओके, मैं नहीं करती, मैं बस इतना करती हूँ कि मतलब मैं आपके बारे में आपको सही बताऊँ, किसी दूसरे के पास बैठूँ तो उसको उसके बारे में सही बताऊँ। वैसे आपको किस तरह के लोग पसंद हैं? मुझे सिर्फ अमीर लोग पसंद हैं जिनकी जेब में से डॉलर झांक रहा हो। हाँ, और सोना? सोना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सोना टपक रहा? हाँ बिल्कुल, मैं रात में बिल्कुल भी नहीं सोती, बस मैं दिन में सोती हूँ। सोना मतलब गोल्ड? गोल्ड, ओके, आई लव गोल्ड, बट ठीक है, ओल्ड है, ओल्ड एंड गोल्ड। डायमंड और प्लैटिनम के बारे में क्या ख्याल है आपका? यस, आई लव वाइट गोल्ड, बट प्लैटिनम, प्लैटिनम ठीक है मेरे ख्याल में, सही है। हाँ, वैसे आपकी शख्सियत को देख के लगता है जो पैसा आप जो लोगों से लूटती हैं, मतलब आपके फंड में जो लिखता है, वो आप उससे यही काम करती होंगी? मैं पैसा किसी से लूटती नहीं हूँ। अच्छा, आपका कोई बिजनेस भी चल रहा है? देखिए और भी काफी, तो सुन लेना मेरी बात, तो सुन लेना, और भी काफी सारी खवातीन है कम्युनिटी के जो अपनी एनजीओ चला रही है, जो अपने प्रोजेक्ट्स रन कर रही है, जो अपनी तंजीमें चला रही है, लेकिन मैं उनसे थोड़ा हट के हूँ। हाँ, क्योंकि आपका आपका जिंदगी का मकसद यही है कि लोगों के आप डॉलर लें, देखिए लूटें और अपनी जिंदगी को आप खूबसूरत बनाएं, आपकी जिंदगी का मकसद है। मैंने बुरा वक्त देखा है, इसलिए मुझे एहसास है कि बुरा वक्त कैसा होता है, तो मैं लोगों की खिदमत करती हूँ। किस तरह से लोगों की खिदमत करती हैं आप? मतलब देखे, मैं लोगों के पास जाती हूँ, उनसे पूछती हूँ कि आपकी तबीयत कैसी है, तो दे सेड कि हमारी तबीयत बहुत अच्छी है, तो ये खिदमत है ना। देखिए, यहाँ तो ख्वातीन को कोई बुलाते नहीं इवेंट्स में, लेकिन मुझे बुलाते हैं, सब बुलाते हैं, मतलब अमेरिकन ऑफिशियल्स की कोई मीटिंग हो वो लोग मुझे बुलाते हैं, पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ कोई इंट्रैक्शन की कोई मीटिंग हो वो मुझे बुलाते हैं, पाकिस्तानी कम्युनिटी का कोई इशू हो तो वो लोग मुझे बुलाते हैं। लाइक मैं यहाँ, मैं पाकिस्तानी कम्युनिटी की नंबरदार नहीं हूँ, मतलब बस अब समझ जाए ना, मैं फैसले करती हूँ यहाँ पे कम्युनिटी के लोगों की। पंचायत लगाई हुई है? जी जी जी, अपनी पर्सनल पंचायत। जी जी, नहीं वैसे अच्छी बात है कि आप हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी की जो है औरतों की आप रिप्रेजेंटेटिव बनी हुई है, एक अच्छी चीज है, लेकिन आप उसके साथ साथ जो आप ये बुराइयां करती हैं, बदतमीजियां करती हैं, तो उसका असर अच्छा नहीं है। देखिए मेरे पास ये तो आदतें हैं ना, अब आदत तब तक खत्म नहीं होगी जब तक जब तक मैं इस जहान से नहीं चली जाती। नहीं, आदत तो बिल्कुल पुख्ता हो गई इस उम्र। अब देखिए कम्युनिटी की ऐसी बात है नाज़रीन, उम्र बढ़ जाती है तो आदतें पुख्ता हो जाती है। हाँ, पुख्तगी आ जाती है। हाँ, मैं मानती हूँ इस चीज। हाँ, लेकिन आप जब
आप जब लोगों में उठ रही बैठ रही हैं तो मेरा आप दिल कर रहा है कि मैं आपके लेकिन को फांसी दे दूं। लेकिन आपको भी चाहिए ना कि जो अच्छे लोगों से आप मिल रहे हैं। कम्युनिटी की गर्ल्स और खवातीन। मैं बोलूं? नहीं, होस्ट नहीं बोले इस प्रोग्राम में, बस ये बोलती रहे। चलिए आप बोलने, आप बोले, आप नहीं, आप बोले, मैं नहीं बोल रही, नहीं आप बोले पहले, मैं बात नहीं करनी, नहीं पहले आप बोले, बोले आप। कम्युनिटी की गर्ल्स और कम्युनिटी की तमाम खवातीन मुझे कॉल्स करती हैं, अपने मसले बताती हैं। मिसाल के तौर पे, हाँ मिसाल के तौर पे कि ना आज सालन में नमक ज्यादा डल गया है, तो ये मसला है ना कम्युनिटी का, तो मैं कहती हूँ कि अच्छा यार थोड़ा सा ना आटा डाल दो। आलू उबाल लो और उनको थोड़ा मैश करके डाल लो तो शोरबा जो है वो थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। मैं क्या बोलूं, मतलब एक मैं देखिए, मैं किचन से लेकर, ठीक है, किचन से लेकर लोगों के पर्सनल इशू जो होते हैं, हाँ, वो तो ये पर्सनल इशू है ना। मतलब शादी करवाए, किसी के शादी का खाना दे दे, कोई बीमार है तो उसकी आप हेल्प करें, किसी घर में राशन नहीं है, किसी की जॉब नहीं है वो दिलवा दें, या कोई किसी को तंग कर रहा है तो उसके मसले का आप हल करें। इतने हमारे इश्यूज होते हैं पाकिस्तानी कम्युनिटी की, औरतों को भी मसले होते हैं, उनको जॉब्स चाहिए होती हैं, अच्छी जॉब्स नहीं मिल रही होती नाजरी यहाँ पर, तो आपके इतने ताल्लुकात हैं, आप इतने इवेंट्स पे जाती हैं इतने अच्छे अच्छे लोगों से, बड़े लोगों से, जैसे कि इन्होंने बताया अमीर लोग इनको पसंद, मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है और मैं खवातीन को दिलासा देती हूँ, ठीक है, मसले का हल नहीं करती, तो मसले का हल बता देती हूँ, आगे वो करें या ना करें, जाएं ढूंढें जॉब्स। देखिए मेरी बात सुने, बहुत सारे वेब पोर्टल्स हैं जहाँ पे आप जॉब पोर्टल्स हैं, ठीक है, वेब पोर्टल पे जाके अपनी सीवीज ड्रॉप करें, सबको पता है, अगर जॉब चाहिए तो सीवीज ड्रॉप करें ना, मतलब मेरा दिमाग क्यों खा रहे हैं लोग, ये प्लीज ये सवाल काट दीजिएगा, ये मत रखिएगा अपने प्रोग्राम में, मेरा दिल तो मतलब आप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात करती रहेंगी। और मैं आप हमारे प्रोग्राम में आई है, बहुत मुझे अच्छा लगा, मुझे वैसे भी किसी और तकरीब में जाना है, ठीक है, मैं बिल्कुल लेट हो रही हूँ और बस आप मेरी जान छोड़े, बस मैं जान छोड़ी हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा आप आई, आपने इतना टाइम दिया, बस मैं ये आपसे मुझे मेरी गुजारिश है, शक्ल से ज़्यादा चल रहे हैं गुजारिश है, अच्छा लगा, नहीं मेरी गुजारिश आपसे ये है कि आप जो है ना लोगों के लिए अच्छा थोड़ा सा काम करें। मैं लोगों के लिए हमेशा अच्छा काम करती हूँ, ओके, और मुझे ये चीज लोगों की हेल्प करें, लोगों की मदद करें, जो फंड आपको मिल रहा है, जो आपको कहीं से कुछ पैसे मिल रहे हैं वो आप सही जगह पे लगाएं, कल आइंदा मेरा कोई भी इवेंट होगा, जवाब देने नहीं, आइंदा मेरा कोई भी इवेंट होगा मैं आपको बुलाऊंगी, आपने आना, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं, मतलब मैं कोई वो नहीं करना चाहती। खैर बहुत शुक्रिया आप आई और बहुत अच्छा लगा आपसे, हाँ बस ठीक है, बहुत अच्छा लगा नाजरीन, मुझे कहीं और जाना है प्लीज, आज तो नाजरीन अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा और ऐसे लोगों से आप बच के रहिएगा, अल्लाह हाफिज़।